कभी चांद और सितारे मेरे साथ में रहे, जब तलक हाथ तुम्हारे मेरे हाथ में रहनी जनता के, हम वो पत्ते नहीं जो डालियों से टूट कर बिखर जाए, इसे आधियों से जाकर कोई कह दे औकात में रहे। यहाँ पे लोग 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के अपने मत को किस तरह से रख रहे हैं, चाचा का कहा 2024 कौन तरीके से रही है? देखा एक दिन भाषण हुआ था नड्डा साहब का, तो वो कहना कि अब की भाजपा का आधी अवधि है ना, अब की बार 400 पार आधी अवधि हुए, तो हम उनसे ये कह चाहते है कि अब हम वो पत्ते नहीं है जो डालियों से टूट जाए, इसलिए आधियों से जाकर कोई कह दे अब औकात में रहे। हाँ, कभी चांद सर पूरा सुन लीजिए, कभी चांद और सितारे मेरे साथ में रहे, जब तलक हाथ तुम्हारे मेरे हाथ में रहनी जनता के, हम वो पत्ते नहीं जो डालियों से टूट कर बिखर जाए, इसे आधियों से जाकर कोई कह दे औकात में रहे, औकात में रहे। हाँ, और एक चीज और बता दूं, आवाम को सुन रहे हैं आपने, आवाम कह रहा है, क्या कह रहा है कि किनारे की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, हाँ जिसको जीतना चाहा उसी से हार बैठे हैं, प्यार का एक अजब दरिया इसमें डूब जाने को, मोहब्बत में यहाँ देखो कई तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। और हाई जो लोग गईने हैं ना, है जो नेहर और गईने हैं, इनसे ये देख लिया फिर घूम फिर डोरी लाइन लगावत हुए राजभर बाबू, मुख्यमंत्री से जूनियर बनना है, मंत्री तो बन गई ना, मंत्री बन गई ना, कमन पहाड़ ढकेल दहने, हाँ कमन पहाड़ ढकेल दहने, भारतीय जनता पार्टी सम्मान रखी, भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान रखी, राजभरों का मान, आप जर्नलिस्ट है आपको पता होगा, जब विधानसभा अध्यक्ष की किताब की विमोचन थी, सभी लोग बैठे थे, योगी अल्लाह ने पीछे से स्टूल ना बैठे के पौने, एक स्टूल भाई थोड़ा सा शांत, एक स्टूल नहीं पाने को बैठे, अरे दिख है ऐसे पर बस जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना प्यारा, मर जाए चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि थाने पे उजर का गमछा फेंक के पियर का गमछा लगा के जा, किसी दरोगा की औकात नहीं जो सम्मान अपन औकात दिखावत हमें, एक पिल्ला से ना जितने नवरत्ना से, नवरत्ना से ना जितने, तो वो आवाम के कहीं चैलेंज देने इतना, हाँ नहीं आवाम को ये कह रहे हैं कि पियर का गमछा लेके थाने में जाइबा, हम सब के सम्मान पूरा सुन ले वाली वीडियो, उनका औकात औकात में आ गई ने, हाँ औकात में आ गई ने, हाँ तो अब की बात 2024 में कौन से ऐसे प्रत्याशी की आप लोग उतरबा की देखे प्रत्याशी उत्याशी चयन कर, अब हमारे स्टेटस उतना उच्च ना हुए, नेता लोगन का काम हुआ है, जे के उतार दी है इनसे बेहतर देख के वोट दे दे, अच्छा हाँ कहीं बेहतर नहीं है, पांच साल कितना बोलू कि नहीं नहीं नेवर, जी हाँ अरे पांच साल के कार्यकाल कितने बार आया, एक बार मेरी मैं जो उनको कहा था कि लेकिन वो भी नहीं कर पाए, मैंने कहा मेरा देवस्थान है, वहाँ देवस्थान में कुछ कार्यक्रम कर, क्यों विरोध आप निषाद है, निषाद और पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, भारतीय उनको वोट नहीं दूंगा, अच्छा आप वोटर है भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, उसके बाद भी प्रवीण निषाद का विरोध क्यों, आदमी कमल को वोट दे रहा है, आदमी मोदी को वोट दे रहा है, आदमी योगी को वोट दे रहा है, उनके विकास को वोट दे रहा है, क्षेत्र की जनता इतने तगड़े से आपकी जिताएगी कि शायद इस क्षेत्र में आसपास में बेरोजगारी, ये देखिए जो ये बता रहे हैं, एक सुनिए एक मिनट, यहाँ पे कितने लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जनरल वाले बताइए, यहाँ पे जितने लोग मौजूद है बताइए जनरल से कितने लोग हैं, अभी अभी नहीं जनरल बताइए, आप बताइए जनरल से कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, नहीं एक मिनट हमारी बात सुनिए, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, क्योंकि हमारी बात सुन लीजिए, अभी बीते में यूपी, एक मिनट यूपीपी का अभी एग्जाम हुआ, एग्जाम हो गया, 60,000 टोटल वैकेंसी आई थी, ठीक, और 60,000 में आज यहाँ पर देखिए पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है ओबीसी की है, और इसके बाद पोस्ट जो है जनरल की 30,000 दी है, ये कहाँ का न्याय है बताइए, कहाँ का न्याय है, और देखिए ऐसा है यहाँ के जो कुछ लोग हैं अपने जो मन में दिमाग मानसिकताएं बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता और चाहे वहाँ के नेता, जो सबको नौकरी जो मिल रही है वो सबको सबके ग्रेजुएशन मिल रही है, कहेंगे 2024 में 2024 सफाया होगा भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए सम्मान निधि चलाई भाई, सम्मान निधि बात छोड़िए, वो तो मुझे
मिलजुला है, मिलजुला है, सम्मान निधि मिलजुला है, उससे ज्यादा कई गुना जीएसटी के नाम पर भाजपा सरकार उससे ले ही चलता है। हमको बताइए जीएसटी कहाँ पर, यहाँ बताइए जीएसटी कौन देता है? जीएसटी हम देते हैं, जीएसटी हम देते हैं और सीधे ठोक कर देते हैं, क्योंकि सुनिए हम कबार है, हम कबार है, सरकार का हक है, सरकार को विकास करना है, सरकार को काम करना है, सरकार ने लैट्रिन दिया है, सरकार के पास आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आलापुर विधानसभा में